प्रदेश में उपचुनाव के चलते जनपद लखीमपुर खीरी की 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनसभाओं में तेजी आ रही है। भाजपा से विधायक रहे अरविंद गिरी का आकस्मिक निधन होने से खाली हुई विधानसभा सीट पर गिरी पुत्र अमन गिरी को भाजपा ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसी उपचुनाव में भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया है। वहीं प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा को संबोधित किया है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को किस प्रकार से लगातार पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हो रहा है। यहां बहुत सारे मेरे किसान भाई बैठे, मुझे बताया गया है, हमारे परिवार के सदस्य भी बैठे हुए हैं, हमारे मित्र लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। पहले की सरकारों को अगर आपने से किसी को याद हो तो पहले कहा करते थे, देश के प्रधानमंत्री शिवराज गांधी जी जी थे, वो कहते थे दिल्ली से अगर एक रुपया भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। याद है किसी को भी नहीं याद है? अब जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बताइए आती है, जिनके पास खेत है 2000 रुपए भेजा जाता है तो 2000 रुपया में से 300 रुपया मिलता है कि पूरा 2000 मिलता है, बताओ? ये हमने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई है।